अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद शादिफ खान है, अल समी प्रॉपर्टी लिंकर से मेरा ताल्लुक है और अल नवाब स्टेट मेरी स्टेट का नाम है। अच्छा, आज हम आप लोगों को विजिट करवाएंगे सेक्टर 10 के साथ का, जहां पर लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमें कम पैसों के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हमारा अपना घर हो जाए। तो इसी बिहाफ पे हम लोग एक वीडियो बनाने के लिए आ जाएँ सेक्टर 10 के साथ में, जो कि सरजानी टाउन का सेक्टर है, सेक्टर 10/7। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 64 स्क्वायर यार्ड से KDA की लीज प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो 120 स्क्वायर यार्ड है वो KDA की बैलेट फाइल है। इसके अंदर क्या रेट आपको मिल जाएगा प्लॉट का, मकान का, और इसके अलावा 124 गज़ के जो KDA के बैलेट प्लॉट हैं वो कितने के आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम खड़े हैं एक मकान के आगे और हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गुंजार आबाद है, यहाँ पर आबादी होती जा रही है और मेरे आगे पीछे भी काफ़ी सारे बच्चे आपको नज़र आएंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पे अब आबादी होती चली जा रही है और तकरीबन 35 मकान इस सेक्टर के अंदर अभी तक आबाद हैं। कुछ जो है वो महाजनों की आबाद हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग है, और कुछ जो है वो पंजाबियों के और दूसरी जमान वालों के आबाद हैं। अच्छा, यहाँ पे मकानों के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि KDA के लीज जो मकान यहाँ पर मौजूद हैं वो 1990 की कंस्ट्रक्शन है। 1990 की कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पर आबादी ना होने की एक वजह से यहाँ पर मकान जो है वो डिमोलिश हालत में है, और डिमोलिश हालत में KDA लीज मकान आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल सकते हैं। कीमत मैं आपको बता देता हूँ, 64 स्क्वायर यार्ड का मकान जो डिमोलिश हालत में होगा वो तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए का उसका रेट बनता है इस टाइम पर। और इसके अलावा अगर आप KDA की लीज के अलावा कोई लेते हैं, जैसे कि कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं, ज़हीराबाद कंपनी यहाँ पर है, नोबल टाउन कंपनी यहाँ पर है, इसके अलावा अलहमद टाउन कंपनी यहाँ पर, जिनके पास 64 स्क्वायर यार्ड्स के कुछ प्लॉट्स और कुछ मकान अवेलेबल है। अच्छा, इनके प्लॉट्स की तरफ जाएँ तो वो KDA से आपको खुद लीज़ करवाना पड़ता है, बहुत मुनासिब कीमत में आपको मिल जाता है, तकरीबन 4-5 और बहुत अच्छी लोकेशन हो तो 10 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। एक बेहतरीन मौका है आपके लिए यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला वक्त इसी सेक्टर का है, क्योंकि इससे पहले अगर हम सेक्टर में जाते हैं तो वो सेक्टर 7 स्टार्ट होता है। सेक्टर 7 के अंदर जो इस टाइम पे रेट है वो डिमोलिश मकान का तकरीबन 30 लाख रुपये का रेट है, जबकि यहाँ का रेट आपको मैंने बताया कि बहुत ही मुनासिब कीमत में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। अच्छा, ये मैंने अभी आपको जो रिव्यू दिया है वो 64 स्क्वायर यार्ड के डिमोलिश मकान का रिव्यू दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे मकान बने हुए भी हैं और आबादी भी यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें भी आबाद हो गई हैं। और इसके बाद हम चलेंगे प्लॉट्स की तरफ, क्योंकि हम आपको मकानों का तो रिव्यू दे चुके हैं, अब हम आपको देना चाहेंगे प्लॉट्स का रिव्यू जहाँ पर 64 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। उसके बाद हम आपको देंगे KDA के बैलेट प्लॉट्स का रिव्यू कि KDA के जो बैलेट प्लॉट्स हैं वो किस जगह पर अवेलेबल हैं और किस रेटों में आपको मिल जाएंगे। चलिए, आइए मेरे साथ। अच्छा जी, अभी जो हम खड़े हुए थे वो डिमोलिश हाउस की तरफ खड़े हुए थे, अब हम आपको दिखाएंगे KDA के यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, जो कंपनीज़ के प्लॉट्स हैं। अभी बेसिकली हम खड़े हुए हैं ज़हीराबाद कंपनी के प्लॉट्स की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन काम यहाँ पे जारी और सारी है। इस टाइम पर जो काम चल रहा है वो गटर लाइनों का काम चल रहा है, गटर लाइनें यहाँ पर डल गई हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इस साइड पर भी आप दिखाएँगे कि गटरों का काम यहाँ पर तकरीबन कम्प्लीट हो रहा है। और इसके पीछे हम इससे पहले जो खड़े हुए थे वो कॉर्नर वाले मकान पे खड़े हुए थे, जो कॉर्नर वाला मकान है वो 64 स्क्वायर यार्ड का है, और ये 64 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं जिसका मैंने आपको रेट बताया कि 4 लाख रुपए से स्टार्ट है और तकरीबन 10 लाख रुपए तक का प्लॉट्स का रेट है, जो कि मुख्तलिफ लोकेशन पर है। अच्छा जनाब, जो मैं लीज़ मकान की बात कर रहा था डिमोलिश हालत में, वो आपको मेरे राइट और लेफ्ट हैंड पर नज़र आ जाएंगे, दोनों साइडों पर मकान यहाँ पर बने हुए हैं जो कि डिमोलिश हालत में 1990 के ये बने हुए थे, जो कि इस टाइम पे स्ट्रक्चर हो गए। अच्छा, ये KDA के लीज़ हैं, लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल प्रॉपर्टीज़ की मालूमात दें, बल्कि आप ख़ुद भी चाहें तो KDA जाके इसकी मालूमात कर सकते हैं कि सेक्टर 10/7 के अंदर KDA के लीज़ प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, या आप चाहें तो मेरे ऑफिस आके मुझसे बात कर लें ताकि फिर मैं आपको इसके हवाले से बता सकूँ, फिर आप जिस तरह से वेरीफ़िकेशन करवाना चाहें उस तरह से वेरीफ़िकेशन करवा लें। अच्छा, हम ये समझते हैं कि सरजानी टाउन इस टाइम पर बहुत कम कीमत में आपको जो है आपके मतलब की चीज़ मिल जाए,
जाती है, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर आपको उतनी कीमत में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि सरजानी टाउन में मिल जाती हैं। इस सेक्टर में फैसिलिटीज़ बताना चाहूँगा कि गैस, बिजली, पानी, यहाँ पर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और जो सेवरेज का काम था वो पहले तो इनकम्प्लीट था, लेकिन आप कम्प्लीट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से इस सेक्टर के अंदर ग्राउंड्स भी मौजूद हैं और रिहाइश के लिए जो बेसिक चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो आपको मैंने इस सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी है, इसमें आपको खुद देखना है कि हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाई हुई हैं सेक्टर 10/7 की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे बैक हैंड पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मकान जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, बिल्कुल डिमोलिश हालत में थे, इनको कलर में काट दिए हैं। और जिस जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा है यहाँ पर, जो है कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, जबकि पूरे कराची में मतलब अगर आप एवरेज लें तो एवरेज सोसाइटीज़ जो है ना इस टाइम पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवा रही, जबकि सरजानी सेक्टर 10/7 के अंदर इस टाइम पर भी डेवलपमेंट का काम जारी है। ये कह रही है कि लीज जो लोगों ने मकान लिए हुए थे पहले छोड़े हुए थे, लेकिन इस टाइम पे उनको भी होश आ गया है कि आप इतनी कम कीमत है, आप जाके उसको बनाएं ताकि इस सेक्टर का रेट बढ़े। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का काम, तो अब आने वाला फेज जो है वो इस सेक्टर का रेट बूस्ट करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे मकान बनते जाएंगे तो उस तरीके से यहाँ का रेट बूस्ट करता जाएगा। आप अगर आज की तारीख में या आज जल्दी फैसला कर सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आप विज़िट भी करें, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने भी हों। और अगर लीगल आपको लगता है और आपकी सेटिस्फेक्शन इससे होती है तो आप यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है इस टाइम के लिए। बाकी ये कि मेरी स्टेट है सरजानी टाउन सेक्टर 6 में अल नवाब स्टेट के नाम से। आप चाहें किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना या सरजानी के किसी भी सेक्टर के हवाले से बात करना मुझसे या पूछना किसी भी हवाले से, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम सरजानी के अंदर अल नवाब स्टेट के नाम से मौजूद हैं, सेक्टर 6 में मेरी लोकेशन है स्टेट की। बाकी आप कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, लोकेशन मैं आपको बता दूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका।